आज कांग्रेस पार्टी का एक डेपुटेशन आज यहाँ पे डीएम कठुआ से मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और हम सब लोग बाबा अमरनाथ की ये जो यात्रा है इसके लिए कांग्रेस ने डे वन से ही पूरा स्वागत किया और यात्रा का, और हमने अपने साथियों के साथ वहाँ जाके भी जो प्रशासन ने अच्छी सुविधाएं वहाँ पे दे रखी हैं उसकी तो हम सराहना करते हैं। लेकिन पिछले 5-7 दिनों से जो हमारे श्रद्धालु हैं जो उनको समस्याएं वहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो हमसे भी रूबरू हो रहे हैं और जो हम आए दिन देख रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ डीएम कठुआ के संज्ञान में बातें लाना चाहते हैं। सबसे विशेष तो बात यह है कि जो ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है, और विशेषकर जैसे ही हम यात्रा का स्वागत करते हैं सेल्फी का पॉइंट बनाया वहाँ पर बड़ा स्वागत योग्य है, वहाँ पर जो रेस्टिंग पॉइंट और खाने की व्यवस्था है वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही आप महज 500 फुट आगे जाते हैं तो टोल प्लाजा वाले एक लंबी सी तलवार निकाल के आप लोगों के वो गर्दन पे रख के बैठे हुए हैं। 1000-2000 के करीब रोज़ की गाड़ी वहाँ से आ रही है, और हम यही चाहते हैं कि वहाँ से टोल प्लाजा जो अमरनाथ के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर जो टोल प्लाजा की जो टोल है वो माफ़ होना चाहिए, क्योंकि यात्रा जो लोग कर रहे हैं उनमें से अमीर गरीब मध्यम वर्ग के सभी वर्गों के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि टोल प्लाजा जो अमरनाथ के यात्री हैं जो पंजीकरण की पर्ची वहाँ पर दिखाते हैं उनसे कोई टोल वहाँ पर ना वसूला जाए। और दूसरा एक अल्टरनेटिव मार्ग था वहाँ पर, आपको पता है विकल्प मार्ग था वहाँ पर, जो लोग वहाँ नहीं आना चाहते बिलावर बसोड़ी बनी के लोग या हमारे यहाँ स्थानीय लोग भी कुछ बाहर से उधर तरफ से जानते हैं, तो जानबूझ के कल वो जो लखनपुर में वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं चाहे वो ट्रैफिक वाले हैं चाहे म्यूनसिपैलिटी वाले हैं या किसी और विभाग के लोग हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि जो सालों से रास्ता चल रहा था क्यों वो वन वे करके आप यहाँ से नहीं जाओगे वहाँ से नहीं जाओ, एक लूट का मार्ग वहाँ से प्रशस्त किया गया है। तो हम ये कहते हैं कि फौरी तौर पर वो मार्ग वहाँ से खोला जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो नेशनल हाईवे की है, आप लखनपुर से शुरू हो जाइए 2-2 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं, और कहाँ पानी का जैसे बरसात का मौसम है एक्सीडेंट जोन बनी हुई हैं, कहीं पुल तोड़े हुए हैं, कहीं सिंगल लाइन लगी हुई है, रात को गाड़ियाँ आती हैं एक पूरी तरह से। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हम आमंत्रण दे रहे हैं कि जैसे हम कहीं बियाबान जंगल में से कोई गुजर रहे हो, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं है, टोल वसूलने के लिए आप वहाँ तैयार बैठे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कहाँ सोए हुए हैं, आप लखनपुर में देखिए जो वैकल्पिक मार्ग इन्होंने ट्रकों के लिए तैयार के रखा हुआ है वहाँ भी देखेंगे तो 4-4, 5-5 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं, और कोई भी आपको कह सकते हो कि बड़ा मसला भी वहाँ पर बन सकता है, बड़ा कोई लोगों को परेशानी आ सकती है, कोई एक्सीडेंट जोन बनी हुई है। तो हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि वो पूरा ये हाईवे जो है इसको फौरी तौर पर इसको रेगुलराइज़ करें, और यहाँ भी इन लोगों ने इनके ठेकेदारों ने जैसे काम बंद कर रखे हैं, जैसे कोई हम लगेड मोड में देख रहे हैं, चढ़वाल में देख रहे हैं, दयालाचक में देख रहे हैं, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर इन्होंने चीज़ें ना रोकी हुई हैं, तो वो सब चीज़ें जो है सही सलामत होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस जो इधर उधर घुसी हुई है ट्रैफिक पुलिस को कम से कम ऐसे स्पॉटों पे लगाए जाए, जैसे मैं लगेड मोड़ की बात कर रहा हूँ, लखनपुर में भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब वापसी पे लोग पंजीकरण अपना वहाँ रद्द करवाने के लिए आते हैं या दिखाने के लिए आते हैं वहाँ भी झील बनी हुई थी पूरी। तो ऐसी तमाम जगह पे जहाँ भी ट्रैफिक का कोई रेगुलेशन नहीं हो तो ट्रैफिक को बाहर निकलना चाहिए, हम लोगों की सुख सुविधा के लिए ये फर्स्ट इंप्रेशन जहाँ पूरे ज़िले का रहता है तो पूरा वो एक इंप्रेशन जो है वो अच्छे ढंग से जाना चाहिए। और इसके लिए हम जो है डीएम कठुआ से मिल रहे हैं, और हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ हम नहीं चाहते कि यात्रा स्मूथली चले, हम प्रशासन अगर अच्छा चुस्त दुरुस्ती से उसको चलाना चाहता है वो पूरी सिविल सोसाइटी से हो कर रही है कि हम लोग प्रदर्शन करें या ऐसी कोई काम करें कि जिससे कि प्रशासन को कोई कोई असुविधा हो, तो हम इनके संज्ञान में बातें ला रहे हैं, और हम समय देते हैं कि 2-1 दिन में ये सारे ट्रैफिक पुलिस वाले बाहर आएँ, हाईवे पे नज़र आएँ, इनकी पेट्रोलिंग नज़र आए, और खासकर यहाँ जो एक्सीडेंट जोन बढ़ी हुई है वहाँ पर एम्बुलेंसें भी चाहिए 24x7 चाहिए कि कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो वहाँ एम्बुलेंसें पहुँचे। और खासकर जो हम बात कर रहे हैं कि टोल प्लाजा वाले, तो मैं डीएम कठुआ से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको बुलाया जाए, अगर अमरनाथ की यात्रा पर पूरी दुनिया के लंगर लग रहे हैं, पूरी दुनिया उसमें सहयोग दे रही है, तो अगर 10-20 दिन ये टोल नहीं लेंगे यहाँ पर, ये टोल माफिया या बाकी माफिया यहाँ पे आए हुए हैं, तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो एक अच्छा उसमें बात रहेगी। तो ये सब बातें जो हैं हम इनके संज्ञान में लाएंगे, और आपके मार्फत से हम लोगों से भी ये अपील करते हैं कि हमारे जितने भी श्रद्धालु यात्रागण जो भी यात्रा हमारी चल रही है उसको स्मूथ बनाने में पूरा सहयोग दें, प्रशासन का सहयोग दें, लेकिन प्रशासकीय अधिकारियों को भी चाहिए कि जो जो जिस डिपार्टमेंट का हेड है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का है, चाहे वो और कोई डिपार्टमेंट है जैसे नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, सिर्फ लूट का धंधा यहाँ नहीं चलेगा, रोड को फौरी तौर पे 2-1 दिन में ठीक करें, बार फुटिंग पे
हालांकि आप साइडों की रोडें पे चली जाएं, जो साइड्स पे ना रोड निकाली या गाँव में वहाँ पे जैसे बरसाती पानी शहर में है, नाले साफ़ नहीं है, ये चीज़ें सब सबके ध्यान में है, लेकिन इस समय इनका फोकस भी यात्रा पे और हम भी यात्रा को फोकस में करते जो हमने बातें कही हैं इस पर पूरा संज्ञान होना चाहिए और हम दो एक दिन का समय देते हैं, नहीं तो सोमवार को फिर से हमारा यहाँ पर रहेगा। नेशनल हाईवे पर हटली मोड़ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, कई बार वहाँ पर हादसे होते हैं, कई गाड़ियाँ जो फंस रही हैं, हाईवे की ओर से टोल तो लगाया जाता है, क्योंकि रिकवरी वैन वहाँ पर सिस्टम नहीं है, क्योंकि लोगों को प्राइवेट अपनी रिकवरी वैन लाकर वहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ रही है। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इसलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हटली मोड़ की जो समस्या है पानी की, आप देखिए क्योंकि इंडस्ट्री का वहाँ पे आता है, वहाँ पे स्थानीय कॉलोनी भी है वहाँ पे, और कैसे लोगों के साथ वहाँ, और साथ में जो आदमी 1,500 किलोमीटर से दूर आ रहा है उसे क्या पता है कि यहाँ झील बनी हुई है, यहाँ खड्डा है, नीचे गिरेगा, श्रद्धालु को नुकसान होगा, लोग भी सफ़र कर रहे हैं। हमारे साथ ये जोगराज जी सरपंच है गोविंद सर से, ये जानते हैं वहाँ पे पूर्व सरपंच रहे हैं कि कितना वहाँ जमावड़ा, इनकी पुलिस की चौकी वहाँ पे सामने है, तो ये तमाम चीज़ें बार फुटिंग पे प्रोजेक्ट ऑफिसर जो नेशनल हाईवे है उनको यही स्थित रहना चाहिए। हमारा तो मात्र 40-45 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिला कठुआ का सारा, अगर हम ये भी स्मूथ नहीं दे सकते तो हम क्या स्मूथ दे देंगे, लेकिन ये टोल प्लाजा चला जा कम से कम यात्रियों के लिए फौरन रूप से हटना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को वही संघर्ष करना पड़ेगा जैसे पहले यहाँ टोल प्लाजा टूटा था, टोल प्लाजा को हमने उखाड़ दिया था, एक बार हमें फिर वो मार्ग ना अपनाना पड़े, तो इसलिए हम अथॉरिटीज़ को कहते हैं कि अमरनाथ यात्रियों की जितने भी लोग आ रहे हैं उनका टोल फौरी तौर पर माफ़ किया जाए।